अन्य चीज भी सुधर रहा है, 24 घंटा राज्य में लाइट भी मिल रहा है, इसलिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कानून व्यवस्था मिल रहा है, कानून व्यवस्था भी ठीक है, तो बस स्टेशन भी एक सुंदर बस स्टेशन और अच्छे अच्छे बस स्टेशन एयरपोर्ट जैसे, मतलब अच्छे बस स्टेशन जिसके कारण देसाटन में भी और राज्य से अंतर्राज्यीय व्यवस्था जो समझौता, और इसके कारण भी रोजगार भी मिलेगा लोगों को, बिजनेस का भी साधन मिलेगा और ऐसे ऐसे सभी लोगों को काम करने का, इसके कारण विकास भी होगा। तो आज बस स्टेशन कैसे अच्छा बने, कैसे सुंदर बने, लोगों को कोई परेशानी ना हो, आज उसी पर हम लोग चर्चा किए हैं और आने वाला समय आपको उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुंदर एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण किसी यात्री को परेशानी न हो। और मैंने यात्री को ही केंद्र बिंदु रखा गया है, किसी यात्री को परेशानी न हो, असुविधा न हो, उसका यात्रा सुगम हो, बस अच्छी हो और बस स्टेशन अच्छे हो। कंप्लीट साल थी, अब उसे 60 साल कर दिया गया। अभी वह चर्चाएं हो रही हैं दोनों में बैठ कर, एक बार गुजरात का क्या है, कर्नाटका का क्या है, उत्तराखंड का क्या है, हरियाणा का क्या है, अन्य राज्यों में क्या स्थिति कैसे चल रहा है, मेरा भी आलमबाग बना हुआ है, ये सभी का एक बार मिलाकर अभी एक चर्चा शुभारंभ हुआ है, फिर अधिकारी बैठकर, लोग टीम बैठकर फिर से एक निर्णय लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कमेटी एक अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वन विंडो सिस्टम किसी डेवलपर को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, यानी किसी अपने समस्या के लिए जूझना न पड़े, ऐसा वन विंडो सिस्टम रहे कि प्रमुख सचिव MD SC मिलकर उनकी समस्या का समाधान करें। इसीलिए आज ये हुआ है, आगे भी इसको ठीक ढंग से और मजबूती से करें।